बताइए कि जो पैर छूने का हमारे यहाँ रिवाज है बड़ों को, हालांकि बहुत लोग अब हिचकते भी हैं इससे, मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर विशेष प्रकाश डालें कि प्रणाम करने से, पैर छूने से कितना फ़ायदा होता है व्यक्ति को। देखो, पैर छूने से ना कोई फ़ायदा वायदा होता नहीं है। घुटना छू लिया, जांग छू लिया, टखना छू लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। झुकना नहीं चाहते? नहीं, झुको, लेकिन जब तक आप अंगूठा नहीं छू लोगे पैर का, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने वाले का अंगूठा आपने अपने अंगूठे से स्पर्श किया नहीं कि उसकी सारी पॉजिटिव किरणें आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी जी। और देखते ही देखते आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी। तो प्रणाम में पैर का अंगूठा छूने का अपने आप में जो महत्व है वो है। हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिण ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर को छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों से हमारे शरीर में आती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसलिए कमजोर ताकत वाला आदमी भी किसी तपस्वी साधक या अच्छे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छू करके अच्छाई के रास्ते पर चल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।